हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द केपीके क्लैशर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जो पिछले वीक में ये जो मिशन किए थे कंप्लीट किए थे, उसके बदले जो है हमें ये वाला ड्रेस जो मिला है, जो बहुत ही मज़ेदार है, आपको भी मिलेगा। तो आज के जो मिशन है उनकी तरफ हम चलते हैं। और ये जो ड्रेस है ये सिर्फ चंद दिनों के लिए मिलेगा, आपको परमानेंट नहीं मिलेगा। ये जो पहला एरेंगल है, इसके नीचे जो बॉक्स है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है तो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकेंगे। तो आज की ये जो हमारे मिशन है, लैंड ऑन एनी रूफटॉप इन ईएल पोजो। तो आपने मीरामार मैप के ये सभी जो मिशन होंगे मीरामार मैप के होंगे, तो वहाँ पर जो है हमने ये कंप्लीट करने होंगे। तो चलिए हम मैच को स्टार्ट कर देते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो है किस तरह ये वाला जो मिशन है वो कंप्लीट करना है। मैंने कुछ मैच लगाया लेकिन उसमें जो है ईएल पोजो जो है बहुत दूर था, तो इसी वजह से जो है मैंने एग्जेक्ट कर दिया। तो अभी जो है हम ईएल पोजो जाएंगे और यहाँ वहाँ पर जो है किसी भी बिल्डिंग के ऊपर जो है हम जो है वहाँ पर लैंड करेंगे। तो ये ईएल पोजो है, यहाँ पर आपने किसी भी बिल्डिंग के ऊपर जो है मार्क लगा देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर मार्क लगा देता हूँ। और फिर जो है आपने, जैसे ही आप यहाँ पर ईएल पोजो के नज़दीक पहुँचेंगे, तो आपने यहाँ पर किसी भी बिल्डिंग के ऊपर लैंड करना है। और उसके बाद जो है यहाँ पर मैं थोड़ी सी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि हम जल्दी से ईएल पोजो पहुँच जाएँ और हमारा जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है मैं ईएल पोजो पहुँच चुका था और यहाँ पर मैं इस बिल्डिंग पे कूदना चाहता था, ये जो बड़ी सी बिल्डिंग है, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं कूद पाया और मैं सीधा जो है नेक्स्ट जो वेयर हाउस की तरह जो बिल्डिंग है इसके ऊपर मैं आ गिरा। तो यहाँ पर जैसे मैं नीचे कूदा तो मेरी हेल्थ भी काफ़ी कम हो गई और यहाँ पर एक बंदा था, उसको जो है एक पिस्तौल भी मिल चुकी थी। तो पहले तो मैंने सोचा कि अपने आप को इसी से किल कर लेते हैं, फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसको मारता हूँ मुक्कों से, देखते हैं मैं इसको मार पाता हूँ नहीं। इसके पास पिस्तौल था लेकिन ये फिर भी मुझसे भाग रहा था और मुझ पे जो है सही शूट नहीं कर पा रहा था। पता नहीं, या तो इसका नेट ख़राब था या फिर इसकी किस्मत ख़राब थी जो ये मेरे हाथों से मर गया। भाई देवा, मुझे ये ग्रेनेड भी यहाँ से मिल गया और अपने आप को मैंने यहाँ से किल कर दिया। तो आपने भी अपने आप को किल कर देना है, डायरेक्ट एग्जैक्ट नहीं करना है वरना आपका जो मिशन है वो कंप्लीट नहीं होगा। और उसके बाद हम वापस लॉबी में जाते हैं और लॉबी में जाने के बाद जो है हम इवेंट में जाते हैं और इवेंट में जाके हम चेक करते हैं कि हमने जो भी मिशन कंप्लीट किया है वो पूरा हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों मिशन जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और हमें रिसीव हो चुके हैं। और ये EXP कार्ड क्या है इसके बारे में जानने के लिए पिछली वीडियो ज़रूर देखें।